सुनसान रातों में जब सन्नाटा गूंजता है तब अपराध देता है दस्तक। जब जुर्म अपनी चरम पे होता है शातिर अपराधी जुर्म को देते हैं अंजाम। खुलेगा हर अपराध के रहस्य से पर्दा। सलाखों के पीछे होगा अब हर अपराधी। नमस्कार, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 12 पुरुष 3 महिलाओं एवं लाश संचालक सहित कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जनता की मांग पर खरगोन की टीम द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। हरि नारायण चारी मिश्र व पुलिस उप महानिरीक्षक रिमांड रेंज खरगोन श्री तिलक सिंह द्वारा जिला खरगोन में अनैतिक देह व्यापार करने वालों पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सनावद में ट्रायंगल चौराहे पर सोनी लाज में देह व्यापार जैसा अनैतिक कार्य कर व्यापार किया जा रहा है, जहां सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग बलवाओ श्री मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पुलिस टीम से ही एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर सादी वर्दी में भेज दिया गया, जहां सूचना की पुष्टि हो जाने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके पर आपत्तिजनक स्थिति में 12 पुरुष 3 महिलाएं सहित एक लाज संचालक सहित 16 व्यक्तियों को पकड़ा है। सिमरा दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर महाजन की ब्यूरो रिपोर्ट। बताया गया है कि सर मुखबिर की सूचना मिली है और ट्रेंगल चौराहे पे अरुण कुमार सोनी की दुकान है, लाज टाइप की 3 कमरे बना रखे हैं, वहाँ पे लड़कियों को बुलाकर अपने कमरों में रखा है और देह व्यापार पैसे लेकर काम कर। ये सूचना तस्दीक के थी DRP लाइन से ही हमारे 10 सदस्यीय दल भी आए और मुझे अवगत कराया। हमने पूरी टीम तैयार करके मुताबिक सूचना के प्लान बनाया और उनको पकड़ने की घेराबंदी के लिए मुखबिर सूचना तस्दीक है तो 3 सही तक रवाना हुआ। प्लान मुताबिक हमने जो पंडर भेजा था, मोड़ देकर भेजा था, उसने इशारा किया। इशारे पे पाते ही हम लोग अंदर गए और देखा कि होटल संचालक अरुण कुमार सोनी बैठा हुआ है और वो आने जाने वाले ग्राहकों को उनसे पैसे लेकर वसूल कर रहा है। साथ में ही उससे पूछताछ पे और अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक लड़की और एक व्यक्ति, ऐसे करके तीनों कमरों में 3 व्यक्ति मिले, बाकी अन्य 8-10 लोग दूसरे कमरे में मिले, जिनसे पूछताछ पर और तस्दीक पर ये गलत थे और सूचना सही पाई गई कि इनसे पैसे लेकर और इन व्यक्तियों से देवार पर कर रहा है। इस प्रकार से सनावत क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई है और इस प्रकार से अनैतिक देह व्यापार जो हो रहा था उस पर